भाई एक टायर अपना निकल के हो चुका है कंप्लीट, ये देखिए जग एक ही लगा हुआ है, बैलेंस में गाड़ी रुका है, पोर्शन का इधर काम भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखो भाई ट्रक वाले का मेहनत, ये हमारे ट्रक वाले भैया लोग हैं, यहाँ पे एक लोग हैं एक लोग इधर। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। भाई आज ना जा रहे हैं हम लोग एक जरूरी काम से, जरूरी काम ये है कि जो आगे का मेरा टायर है पीछे का टायर है उसको हम लोग चेंज करवाने वाले हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा आपकी गाड़ी के साथ भी होता होगा, एक साइड से टायर बहुत जल्दी घिस जाता होगा, उसका बीमारी सही करेंगे आज। तो वीडियो बने रहिए एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यही बीमारी आपको हम बता रहे हैं, देख सकते हैं अंदर से गोटी है लेकिन इधर का गोटी देखो पूरा खत्म हो गया है। तो इसी को हम बताएंगे कैसे इससे आप बच सकते हैं ताकि आपका लॉन्ग टाइम टायर चले। तो चलिए अब निकला जाए यहाँ से। तो भाई जा रहे हैं हाईवे पे, टायर को चेंज करवाएंगे और जो बीमारी है इस बीमारी को भी दूर करना है क्योंकि यार नया नया टायर खराब हो जा रहा भाई। तो ये सब चीजें अगर अभी ध्यान नहीं देंगे पता चला भाई हमको टायर ही बदलते बदलते जिंदगी खत्म हो गया, टायर बहुत महंगा हो गया। अरे यार 8,500 रुपए का टायर है, 8,700 रुपए का स्टार्टिंग। सबसे पहला टायर कितने में खरीदे थे, कितना कम? हम खरीदे थे 6,700 रुपए का सबसे पहला टायर। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे महंगा होता गया, इतना महंगा हो गया सोचो कितना। एक समय ऐसा है 20,000 का बिका हुआ टायर मिलेगा नहीं, वो अभी जमाना दूर है, बहुत दूर है अभी, 20,000 का जल्दी नहीं होगा। काफी सारा कमेंट आ रहा है मीडियम भाई कहाँ जाएंगे नेक्स्ट ट्रिप। तो भाई एक लॉन्ग ट्रिप करने वाले हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक तो बनारस में बुकिंग नहीं मिल रहा है भाई, बुकिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बुकिंग मिलेगा लेके निकल जाएंगे बुकिंग और आप लोगों को भी ट्रिप पे शामिल करेंगे। भाई पहुंच चुके अपने लोकेशन पे, गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है, अभी जा रहे अपना टायर का जो कंप्लीट काम है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। भाई स्टार्ट किया जाए? हाँ काम चालू किया। चलो भाई काम को स्टार्ट किया जाए। तो भाई अपने पास ना एक ही जग है, तो एक ट्रक वाला भाई वहां पे खड़ा है उससे एक जग मांगे क्योंकि दोनों टायर का मतलब दोनों टायर इधर का उधर करना है, पलटी करना है, तो दो जग लगा के इसको खड़ा करना पड़ेगा गाड़ी को। तो भाई अपना जग ले लिया हमने ट्रक वाले भैया से उधार 15-20 मिनट के लिए। ये देखो जग कितना टन का, 40 टन 50 टन का होगा, 50 टन क्षमता है भाई, हम लोग उठा रहे 2 टन का पिकअप। अंदर अंदर डायरेक्ट उसमें लगे बिम में लगेगा, अंदर वाले बिम में लगेगा। अच्छा अभी छोटा वाला भाई पीछे तिरपाल भी निकाल रहा है क्योंकि 100 के जग लगाना पड़ेगा, तो ये अपना बड़ा वाला तिरपाल निकल रहा है भाई। भाई दूसरा वाला टायर भी अपना खुलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ये देखो भाई एक टायर अपना निकल के हो चुका है कंप्लीट, ये देखिए एक टायर तो अपना खुल के आ चुका है, अभी दूसरा वाला खोला जा रहा है। तो ये वाला जो टायर है इसको इधर लगा दिया जाएगा और जो भी खोल रहा है पोर्शन इस टायर को उस पर लगाना है ताकि अपना गोटी बच सके। ठीक है, गोटी बहुत ज्यादा रगड़ रहा है तो टायर को पलटी करवाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टूर पे चलते हैं तो टायर आपको हर महीने में 15 दिन में उधर का टायर इधर करवाइए, इधर का टायर उधर करवाइए, ये चीज कम्प्लीटली करवाना ही चाहिए आपको। दूसरा टायर भी अपना खुल चुका है गाइस, यहाँ पे निकालो पोर्शन। और भाई एक जग से यार दोनों गाड़ी मतलब दोनों टायर मेरा काम हो गया, दो जग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि 50 टन का यार मैंने जग लगाया है। पूरा गाड़ी उठा देगा अकेले एक जग, पूरा गाड़ी यार ट्रक उठाने वाली जग लगा ली हो, पूरा गाड़ी की बात करते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, 2 टन 3 टन गाड़ी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो जग एक ही लगा हुआ है, बैलेंस में गाड़ी रुका है, पोर्शन का इधर काम भी कंप्लीट हो चुका है, हम नहीं उठा पा रहे, इतना भारी था। अब लगने जा रहा है भाई अपना व्हील कैप क्योंकि टायर तो चेंज कर लिया, टायर चेंज करने के बाद ये जो व्हील कैप का सेटिंग है हमसे नहीं हो पाता, छोटा भाई लगाता है तो अभी ये लगा रहा है व्हील कैप, पत्ती लग चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो हमें मिले हैं कुछ सब्सक्राइबर भैया, कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया जी। गाड़ी कहाँ चला रहे हैं? बस गाड़ी लोकल चलाते हैं हम लोग। अच्छा एक भाई इधर ही बैठे हुए हैं, ये देखिए काल भा भैया बढ़िया वा। चलिए ठीक है भाई, काम अपने गाड़ी का हो ही रहा था, कुछ भाई आ गए मिलने के लिए। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा गाड़ी का बस चक्का टाइट कर रहा है, उसका व्हील कैप लगा के निकलेंगे हम लोग चाय पीने के लिए, बगल में चाय का दुकान। और अपना व्हील कैप भी लग के देखो यहाँ पे रेडी हो चुका है, छोटा भाई पूरा सेटिंग कर दिया अच्छे तरीके से। जब से मनाली से आए ना भाई तब से हम देख रहे हैं अपने बनारस के पुलिस वाले भी हमारे गाड़ी को ताक रहे हैं, जो कि बनारस का नंबर है ताकते तक नहीं थे। और बताएं क्यों ताक रहे हैं, क्योंकि हमारे गाड़ी का तिरपाल अभी तक वैसे का वैसा ही है, ये देखिए ऐसा ही बना हुआ है। तो उन लोगों को लग रहा है कि मेरी गाड़ी माल लोड है, लेकिन भाई माल लोड नहीं था, फिर भी कुछ कुछ पुलिस वाले हैं जो कि हमारे गाड़ी को ताक रहे थे, रोकने का भी कोशिश कर रहे थे, फिर देखा थोड़ा सा आगे बढ़ते ही गाड़ी पीछे खाली है तो उन्होंने रोका नहीं। तो हम सोच रहे हैं भाई किसी के नज़र में आने से बढ़िया है कि तिरपाल खोल के ही चलाओ, ठीक है? तो अभी पोषण पूरा तिरपाल को गाड़ी को अच्छे से खोल रहा है।
और मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द भी होना चालू हो गया क्योंकि धूप काफी तगड़ा वाला निकल चुका है आज। ये देखो भाई ट्रक वाले का मेहनत, ये हमारे ट्रक वाले भैया लोग है, यहाँ पे एक लोग है एक लोग इधर है जो कि बना रहे खाना। क्या बना रहे भैया? चावल। चावल है। अच्छा ठीक है भैया, आराम से बनाइए खाइए। देख सकते हैं पूरा हटा दिया गया है गाड़ी के ऊपर से, और पूरा देखो अंदर अभी भी गाड़ी का जाली लगा हुआ है, और ये जाली कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए पोसर, हम तो सोच रहे जाली को रहने दे क्या यार, कि हटा दे। नहीं जाली मत रहने दे यार, जाली रखोगे तो फिर से हमको माल लोडिंग करने में दिक्कत हो जाएगा ना। जाली को भी खोल ही देते हैं भाई, ठीक है जाली खोल देते हैं अच्छे तरीके से, तिरपाल रस्सा है समेट के इज्जत से गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं। लेकिन यार जाली हम लोग काफी अच्छा मार के गए थे, इसके वजह से पूरा मनाली ट्रिप में हम लोग ज्यादातर गाड़ी में ही सोए थे, पूरा घर गया ऐसा। भाई तिरपाल हो चुका है खुल के रेडी, अब इसको समेटा जा रहा है। यहाँ पे काफी धूल भी उड़ रहा है, अभी हम लोग मुंह धोएंगे यार, सर में दर्द भी कर रहा है। कोई नहीं, पहले इसका काम कंप्लीट करवाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले चाय पिया जाएगा भाई आज? पहले चाय पिया जाएगा यार, दोपहर का टाइम है। हाँ पहले हाथ पैर धोएंगे। चलो ठीक, अब दोनों तिरपाल मेरा ऊपर जा चुका है गाइस, देख सकते हैं। हाँ तो भाई हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है, मुंह धो लिया हम लोगों ने, अब यहाँ से निकल रहे हैं पहले चाय की दुकान। भाई बंद करो क्या, बंद करो क्या, बंद करो। यार चाय पीने से पहले सोचा थोड़ा गुलाब जामुन भी खा लेते हैं, तो अपना ये है गुलाब जामुन। चलो भाई हम लोगों का लग रहा है चाय, देख सकते हैं तीन जगह चाय लगा रहे हैं भैया। गाड़ी का काम करवाने के बाद पहुंच चुके अपने कॉलोनी में, अभी जा रहे हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पहले। तो कल देखा होगा आप लोगों ने, हम गए थे टायर चेंज करवाने के लिए, टायर चेंज करवाने के बाद भाई घर पे आ चुके थे, तो अभी अपना बैग हो चुका है रेडी, हम लोग जा रहे हैं भाई, बुकिंग भी कंफर्म हो चुका है पहाड़िया मंडी लोडिंग करने के लिए। एक्चुअली दो तीन दिन से बैठे ही थे घर पे, जब से मनाली से आए हुए थे बुकिंग अपना कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो हमें जाना भाई गंगा श्री ट्रिप में। तो देखते हैं भाई अगर लोडिंग हो जाता है ठीक टाइम से तो निकल जाएंगे, अगर नहीं होता है तो पता नहीं। फिलहाल तो बैग अपना हो चुका रेडी, जा रहे पोषण के घर, पोषण को लेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो भाई आ चुके अपने गाड़ी के पास, और चाबी भूल गए थे, ईयरबड भी भूल गए थे, ले लिया। और मेरा ईयरबड भाई ये पता है इसका मैग्नेट खराब हो चुका है, इसके वजह से भाई 15,000 का नुकसान। कोई नहीं, अपना ये काम हो गया, इसको रबड़ से तुम ले लोगे, चलो इसको भाई ले लेगा, हम नया ले लेंगे, ठीक है। चलो 15,000 नुकसान हो गया, लेकिन भाई काम आ जाएगा, खराब नहीं हुआ है, बस इसका ढक्कन जो है ऑटोमेटिक अपने आप खुल जा रहा है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पोषण के घर पे, पोषण को ले लेंगे। पोषण भाई गाड़ी बाल कटवा के स्मार्ट बन चुका है, कब से कॉल किया है बोला भाई रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है। हमने चलो रेडी हो जाओ तब निकलेंगे, क्योंकि अपना जो लोडिंग है ना वो अनार लोडिंग होगा आसनसोल के लिए, और थोड़ा सा लेट होगा इसलिए हम लोग लेट से घर पे भी निकल रहे हैं। चलो निकल रहे, टाटा बाय बाय। चलो ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। भाई कल तो टायर चेंज कर लिया था, नहीं तो पता है टायर में ना वो साइड से रगड़ खा रहा था, और हम लोगों ने उसमें एक गलती कल किया है वो आप लोगों को बताएंगे, वो गलती आप लोग मत करना। मतलब हम लोग टायर तो चेंज कर लिया, लेकिन टायर को ना खुलवा के चेंज करना था यार, उसमें गड़बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं, गलती से इंसान सीखता है, पीछे का तो याद था लेकिन आगे का हमने सोचा कि चलो इधर का इधर करेंगे तो टायर चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो गलती तो हो गया, कल अब सही हो जाएगा, आके फिर करवाएंगे। भाई काफी देर से ना यहाँ पे वेट कर रहे थे पोषण का, पोषण रेडी हो रहा है भाई, उसको भी लेना पड़ेगा ना टूर पे निकलने से पहले। तो पोषण का कॉल आ चुका है, पहुंच रहे उसके घर, क्योंकि उसको लिए बिना भाई अपना टूर अधूरा सा लगता है। एक बार का बात है, हम पोषण के घर के पास में थे और एक पुलिस वाला आया भाई, 1,000 का चस्का चलान काट दिया। चस्का चलान मतलब नो एंट्री में आप पार्क करना, या मतलब जहाँ पे पार्किंग जगह ना है वहाँ पार्क करना, मतलब मेन रोड है ऐसा ही नॉर्मल रोड था इस एरिया में, बस बगल में ही है पोषण का घर, तो बगल में खड़ा था और ट्रैफिक पुलिस का गाड़ी जा रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया भाई, उन्होंने ना होटल बजाया ना ही आगे बढ़ाने के लिए बोला, और सीधा 1,000 रुपये का चलान जो कि अभी तक पड़ा है, तो कोर्ट में आएगा तो फिर 500 रुपये में वो उसको हम सही करवा लेंगे, छुड़वा लेंगे। तो इसी वजह से हमने अभी थोड़ा सा अलग एरिया में उसका वेट कर रहे थे कि चलो भाई अब पोषण आएगा कॉल करेगा तो जाएंगे तुरंत बैठा के निकल जाएंगे, इसी एरिया में वही चलान काटा था अपना, ताकि भाई वेट ना करना पड़े हमको। तो गाइस पोषण भी आ चुका है अभी जस्ट इसको बोले तो भाई एक बार 1,000 का चलान कटा था, पता है कि नहीं यही पे कटा था 1,000 का चलान, इसी वजह से हम रविंद्रपुरी से काफी देर से इंतजार कर रहे थे। चलो निकल जाएगा ना, देख लो साइड में तो निकल जाएगा ना। चलो ठीक है भाई, ये एक्चुअली सोनारपुरा एरिया है, पूरा इधर भीड़ भाड़ रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा इधर होटल है, बगल में हरिश्चंद्र चौराहा है और सीधा यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर 1 किलोमीटर है, तो इसी वजह से इधर ज्यादा आदमी रहना पसंद करता है कि भाई इधर होटल लेके रहेंगे तो सुविधा भी पड़ेगा।
ये सिंगल लोड है इसलिए वैसे नो एंट्री रहता है। जब हम लोग ऑटो चलाते थे उस समय नो एंट्री नहीं रहता था, लेकिन अभी नो एंट्री है तो भाई पालन करना पड़ेगा। आगे से हम लोग घूम के जाएंगे। चलो, और पोषण अभी भाभी से बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? कुछ नहीं। पहुंच चुके हम लोग कचहरी के पास में, गाड़ी को उधर साइड में लगा दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी पीने के लिए। यहाँ पे 30 रुपए का नारियल पानी मिल रहा है। तो भाई अपना नारियल पानी लग चुका है। एक्चुअली अभी ठंड का समय है, ठंड के दिन में भाई नारियल पानी काफी सस्ता हो जाता है। आप लोगों को पता ही है, जल्दी कोई पीना नहीं चाहता है। तो भोजन दिखा दो भाई। 30 रुपये पीस यहाँ मिल रहा है नारियल पानी, और काफी फ्रेश है, ऐसा नहीं कि खराब है, फ्रेश है। हम लोग भाई पहुंच चुके हैं पहाड़िया मंडी गेट पे। ये देखो भाई पहाड़िया मंडी गेट है। अब चलो भाई गाड़ी को अंदर ले लेते हैं। और ये भाई का गाड़ी लोडिंग शायद हुआ है और उल्टा रास्ते आ गए। उनको जाना था उधर से निकलना है भाई। इधर कहाँ घुस गए? ये तो एंट्री वाला गेट है। चलो, और यहाँ प्याज, नासिक का प्याज 20 रुपये किलो बिक रहा है रोड पे। तो आप लोग सोचो कि मंडी में क्या रेट होगा। बाकी आपके यहाँ पे नासिक वाला प्याज कितने रुपए का बिक रहा है बताइएगा जरूर से। आज भाई मंडी में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो चलिए फटाफट से लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी को लगा देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टर के पास में जाके लगाना है गाड़ी। अब पता करते हैं भाई कि लोडिंग अपना है कहाँ का, क्योंकि हम बंगाल के लिए आए हुए थे। अब देखिए धनबाद का ही मिलेगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि भाई हमें जाना है गंगा सागर ट्रिप में। तो गाड़ी तो काफी ज्यादा लगा हुआ है इधर। तो अभी हमारे कुछ भाई मिले हैं, इनको विश्वास नहीं हो रहा है गाड़ी में कॉन्डोम भी रखा जाता है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है भाई? कॉन्डोम के लिए मेरे गाड़ी का चलान कटा। अभी कॉन्डोम निकाल के दिखा रहे हैं। कहाँ गया भाई? ये देखो भाई, ये आपको दिखाता है, ये अपना मेडिकल किट है। मेडिकल किट हमने जब लिया तो मेडिकल किट में हमको इसमें कॉन्डोम भी मिला, और ये ड्यूरेक्स कंपनी का कॉन्डोम है। ये देखो, ये कॉन्डोम रखना पड़ा। देखो भाई कॉन्डोम, ठीक है? तो ये गाड़ी में कॉन्डोम भी रखना जरूरी है। अब पता नहीं क्यों रखना है भाई, किसके लिए रखना है, ठीक है? अरे भैया, तो इमरजेंसी के लिए अभी कॉन्डोम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग वही सब करते फिरते हैं क्या है भाई, कि हम लोग को रख के चलना है? ऐसा नहीं है। और हर ड्राइवर गंदा भी नहीं होता, बता दे। कुछ कुछ ड्राइवर के लिए भी हो सकता है कि ये सब नियम सरकार बनाया हो, या फिर क्या है मेडिकल किट के अंदर। बाकी हमारे पास डेटोल है, बेटाडीन है, यहाँ पे पट्टी है, और दर्द का दवाई है, सब कुछ इसमें हम लोगों ने रख लिया है। यार अभी हम लोग जा रहे हैं बाटी चोखा खाने के लिए। घर पे वाइफ खाना बना रही थी, लेकिन पता है क्या हो गया, फोन आ गया तो हम चले हैं। बोले भाई लोडिंग नहीं, कैंसिल होना चाहिए यार। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पता चल रहा है 6,000 रुपये पोषण, 6,000 रुपये में बंगाल का गाड़ी जा रहा है, बनारस से बंगाल 6,000 रुपये में आसनसोल का। क्या ही बताया भाई, लोडिंग करने का इच्छा तो नहीं है। भाड़ा का बात चल रहा है, थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तभी हम लोड करेंगे। क्या बोलते हो तुम बताओ? 6,000 तेल का भी तो दाम नहीं निकलेगा। पोषण बोल रहा है 6,000 रुपया, इसको विश्वास नहीं हो रहा। इसको हम बता रहे भाई 5,000 में भी गाड़ियाँ जाता है, लेकिन वापसी वाला जाता है। हम लोगों का तो भाई बनारस की गाड़ी है, भाड़ा कम से कम लगना चाहिए 8,000 या 9,000। मंडी से बाहर निकले बाटी चोखा खाने के लिए, लेकिन एक अंकल यहाँ पे नया अभी ठेला लगा रहे हैं। इनका यहाँ पे बेच रहे हैं बाटी चोखा और चावल और चिकन। तो भाई हम लोग आज खाने वाले हैं चिकन चावल। अभी इनका बाटी तैयार नहीं है, यहाँ पे देखिए। तो अंकल चिकन चावल लगा दीजिए, ठीक है, एक प्लेट। तो यहाँ पे गरम गरम चावल है, चावल निकाला जा रहा है अपने लिए। लग चुका अपना चिकन चावल, आए थे बाटी चोखा खाने के लिए, लेकिन अंकल ने चिकन चावल का दुकान लगाया है। तो इनके यहाँ पे खाना जरूरी है, क्योंकि रोड साइड में जो ठेला लगाते हैं हम लोग सोचते हैं कि बहुत गंदा बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। खा के एक बार जरूर टेस्ट। भाई चिकन चावल खा के बहुत अच्छा लगा, मतलब 50 रुपये में 2 पीस चिकन चावल पेट भर गया। बहुत टेस्टी था यार, एकदम घर के जैसा था। तो पहाड़िया मंडी में थे भाई, अभी भाड़ा का बात चल रहा है। तो कुछ सब्सक्राइबर भैया हमारे मिल गए यहाँ पे। क्या नाम है भाई आप लोगों का? अनिल कुमार पाल। कहाँ से हैं आप लोग? दुद्धी से आए हैं। और भैया आप लोग? बबुआ। और भैया आप? बनारस पहाड़िया मंडी। चलो भाई काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके यार। प्यार दीजिए ऐसे ही, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को जाकर देखिए हमारा। भाई अभी यहाँ पे एक गाड़ी नारियल पानी खाली होने में 4-5 दिन लग जा रहा है। ये देखो नारियल पानी लोड है। तो संदीप भैया बुला रहे थे, जा रहे संदीप भैया से मुलाकात करने के लिए। और इधर भी बहुत सारा भाई बंगाल का गाड़ी लगा हुआ है, सब गाड़ी वाले खड़े हैं, नहीं लोडिंग मिल पा रहा है। किसी को 5,000 मिल रहा है तो वो भी भाग जा रहा है, किसी को 8,000 मिल रहा है वो भी भाग जा रहा है। 8,000 तो इस समय किसी को मिल नहीं रहा है गाइस, यही बताना चाहेंगे। आप लोग आ रहे हैं तो भाई बनारस सोच समझ के आइएगा। इधर से देखो यहाँ पे एक गाड़ी, दो गाड़ी बंगाल का यहाँ पे और लगा हुआ है। ये देखो आसनसोल का 2 गाड़ी है। तो आ गए भाई संदीप भैया के पास में। इधर हमारे संदीप भैया बैठे हुए हैं, और इधर हमारे सब्सक्राइबर भैया। कैसे हैं भैया?
अच्छे हो, बढ़िया है, है? कलकत्ता से आए, बड़कपुर का नंबर है, कहाँ से ला देते आप? बेड़ा चपा से ला देते, बेड़ा चपा से बनारस, बनारस। आपको पता ना इधर से 5,000-6,000 भाड़ा लग रहा है इस समय, जानते हैं सब जा रहा है 5,000-6,000 में ना जा रहा है, सही बात है, चलिए वही बात है ना। तो कुछ आदमी कर नहीं सकता, क्यों भाई, खाली जाने से बढ़िया है कि थोड़ा बहुत आदमी लात के ही जा रहा है। इधर भी एक गाड़ी वाले भाई है, ये देखो ये भी आया है कलकत्ता से, आया भाई लात के, कहाँ से? बेड़ा चपा से, साथ में आएगा आप लोग? अच्छा अच्छा, ये तो आसनसोल का नंबर शायद दिख रहा था ना, आसनसोल का, आसनसोल का। और आपका कहाँ का नंबर है? बड़कपुर का। तो ये गाड़ी भाई बड़कपुर का नंबर है, देख लो भाई।